बरेली के शीशगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा खेल पकड़ा गया है। जिन लोगों के पास पहले से आलीशान मकान हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दे दिए गए। मंगलवार को नायब तहसीलदार ने जांच की तो 10 आवास अपात्रों को देने की गड़बड़ी पकड़ी गई है। ये जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है। इसी के साथ ही शीशगढ़ ब्लॉक में आवंटित सभी प्रधानमंत्री आवास जाँच के घेरे में आ गए हैं। शीशगढ़ कस्बे के मोहल्ला अगबाड़ा में अपात्रों को आवास देने की जिला प्रशासन के पास एक शिकायत पहुंची थी। नायब तहसीलदार शिव वर्मा, कानूनगो मुकेश कुमार की जांच टीम प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों की जांच करने पहुंची। टीम ने 10 आवासों की जांच की जिसमें सब के सब अपात्र पाए गए। जांच टीम ने पाया कि प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने वालों की आलीशान कोठियाँ बनी हैं। जाँच में आवास पाने वाले कुछ लोग एक जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मामला पकड़ में आने के बाद अब सांठगांठ से सरकारी आवास लेने वालों में खलबली मची है। इस केस में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यही है कि जब इन लोगों के पास पहले से आलीशान मकान थे तो फिर इन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ कैसे दे दिया गया। जियो टैगिंग से लेकर कई दौर के सर्वेक्षण और सत्यापन का दौर चलता है, फिर गरीबों को छोड़ कोठी वालों को गरीबों का हक कैसे दे दिया गया। आवास आवंटन की पहली जांच में बड़ा झोल सामने आने के बाद इसका दायरा और बढ़ाया जा सकता है। माना जा रहा है कि ब्लॉक में पीएम आवास योजना का लाभ पाने वाले सभी लोग जांच की जद में आ जाएंगे। नायब तहसीलदार शिव वर्मा ने बताया कि शीशगढ़ में 1142 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। अब इन सभी की जाँच की जाएगी। अभी तक की जाँच में पता चला है कि कुछ लोगों ने पुराने खंडहर मकानों के फोटो लगाकर खुद को कागजों में गरीब दिखाते हुए आवास योजना का लाभ लिया है, लेकिन अब इन सब की जांच की जाएगी।